ज्यादा है जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर इंपैक्ट करेगा, राइट? लेकिन उस डिसीजन को अल्टीमेटली लेने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, आप किसी भी मैनेजर को लीजिए, चाहे आप लाइन एंड स्टाफ को या किसी भी मैनेजर को, एवरीबॉडी वांट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स विद द परफ्यूमेंस ऑफ, यू कैन से इट्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव, राइट? हिज और हर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल जो डिसीजंस हैं, खुद के जो डिसीजंस हैं, दे कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस कैन बी डेलीगेटेड टू अनदर पर्सन। क्या मतलब हुआ इस बात का? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? मैं एक एचआर मैनेजर हूं, ध्यान से समझिएगा। एचआर मैनेजर मेरे पास किसी काम को डेलीगेशन कब करूंगा? जब मेरे पास अथॉरिटी होगी। आई एम हैविंग द पावर, यू कैन सी, राइट? और पावर, अगर आपको याद हो, अथॉरिटी हमेशा टॉप टू डाउन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बॉटम टू अप होती है, राइट? क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना नीचे से ऊपर चले जाते जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही इंक्रीज होती चली जाएगी, और जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, अकाउंटेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है रूटीन के वर्क में बहुत कम हो, लेकिन उसके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसके पास वैसी अथॉरिटी भी है। तो अथॉरिटी बढ़ा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा। अथॉरिटी बढ़ा, अथॉरिटी इंक्रीज हुई, तो दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी, इट इज मैंडेटरी। सो क्यों? क्योंकि उससे जो काम करने के लिए, बिकॉज यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस का मतलब, पर्सनल डिसीजंस का मतलब, कि मैं मेरे बिहाफ पे मेरे पास काम बहुत ज्यादा था और मेरे पास उस काम को करने के लिए अथॉरिटी थी। मिश्रा सर ने मुझे स्टूडेंट्स का डाटा फाइल करने, कंपाइल करने के लिए दे दिया और इसके साथ मेरे पास अथॉरिटी है, मैं मेरे नीचे एक एम्प्लॉई रख सकता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो आदमी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस काम को, मतलब रिस्पॉन्सिबल मैं अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल हूं, राइट? क्यों? क्योंकि मैंने वैसा, इट इज नॉट योर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब दैट कैन बी डेलीगेटेड। यहाँ पे पर्सनल डिसीजंस का मतलब ये नहीं है कि वाइफ के साथ डाइवोर्स की फाइल साइन करनी है या कुछ और करना। नो, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट। आई एम सिंपली सेइंग अ मैनेजर हैज गिवन अथॉरिटी टू यू एंड यू आर हायरिंग अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ योरसेल्फ, दैट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, बिकॉज वो मैनेजर आपसे सवाल पूछने वाला है, ना कि उस पर्सन से। गेटिंग माय पॉइंट ना? और ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग कैन बी डेलीगेटेड। मैनेजर ने आपको अथॉरिटी दिया, दैट इज योर डेलीगेशन। सो इफ ऑफन दे आर ऑलवेज माइट बी द केस डेलीगेट होते हैं, बट पर्सनलाइज्ड नॉट। पर्सनलाइज्ड आएगी कैसे? अथॉरिटी के साथ। तो वो आपसे एग्जीक्यूटिव्स ऑफ फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स 1962 में चेस्टर बर्नार्ड आपको पर्सनल डिसीजन मेकिंग के बारे में बताते हैं, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। हां जी, डाउट तो नहीं है? हां सर, जैसे मिश्रा सर ने माई पर्सनल, मैंने आपको हायर किया मेरे बिना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बहुत बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। आप आईआईटी के एक प्रोफेसर के नीचे रिसर्च